सबसे पहले अगर आपने हमारा होम ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम इधर यूज करेंगे वो एक्चुअली उस वीडियो में कवर किए थे। अभी होम ट्रेनिंग में हम हमेशा फुल बॉडी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम ज्यादा से ज्यादा बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करेंगे। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस का प्रॉब्लम ये होता है कि वो पूरे बॉडी को एक टाइम पे यूज करता है, तो हम लोग मसल्स को आइसोलेट नहीं कर पाते। इसके वजह से कोई भी एक मसल को फेलियर तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है, तो जिम वाले सिस्टम्स होम ट्रेनिंग में काम नहीं करते। इसलिए हम लोग डेली फुल बॉडी ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन इस तरीके से ट्रेनिंग करेंगे कि अगले दिन तक रिकवरी हो जाए। इस तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी प्रोग्रेस भी कर पाएंगे और प्रॉपर मसल्स को वर्कआउट दे पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के वीडियोस हम डेली अपलोड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम आंसर करें। साथ में डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो। अगर आप फिटनेस प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर जाइए, जहाँ पर इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले पुशअप से स्टार्ट करते हैं। पुशअप्स चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को डेवलप करता है और साथ में एब्स को भी ट्रेन करता है। साथ में पुशअप्स अपर बॉडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और इंजरी के चांसेस को भी रिड्यूस करता है। तो 2 sets of 10 इंक्लाइन पुशअप्स करो वार्म अप के लिए और उसके बाद आप मेन सेट पे आओ। मेन सेट में 2 sets of 10 to 25 रिपीटेशंस करो। तो शुरू में आप डायमंड पुशअप से स्टार्ट करो। डायमंड पुशअप्स में इंडेक्स फिंगर और थंब साथ में होंगे और लोअर चेस्ट लेवल पे होंगे। ये ट्राइसेप पे ज्यादा लोड डालेगा और शोल्डर्स पे लोड डालेगा। एक बार आप डायमंड पुशअप के साथ 2 sets of 25 कर पा रहे हो परफेक्ट टेक्निक के साथ, फिर अगले वर्कआउट में मेडिसिन बॉल डायमंड पुशअप ट्राई करो। ये सेम ही चीज है लेकिन हाथ एक बॉल पे होगा। इसका फायदा क्या होता है कि ये इंस्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अपर बॉडी और चेस्ट के मसल्स को थोड़ा ज्यादा बॉडी को कंट्रोल करना पड़ता है। फिर हम आते हैं स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेस में। तो पहला एक्सरसाइज हम ट्राई करेंगे बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। ये बेसिकली लंजी हुआ, लेकिन जो पीछे वाला पैर है ये कोई स्टूल या बेंच पर होगा। इसका फायदा क्या होता है कि हमको ज्यादा वेट आगे के लेग पे डालना पड़ता है और पीछे वाला लेग ज्यादा स्ट्रेच होता है। 2 sets of 10 to 30 रिपीटेशंस पर साइड करो। एक बार आप 30 रिपीटेशंस दोनों साइड पे मास्टर कर पाते हो और प्रॉपर टेक्निक यूज हो रहा है, फिर बॉक्स पिस्टल स्क्वाट स्टार्ट करो। पिस्टल स्क्वाट्स पूरा ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, काल्व्स, पूरा लोअर बॉडी को ट्रेन करेगा, साथ में लोअर बैक को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा और हिप्स को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो पिस्टल स्क्वाट में ऑब्वियसली जितना डीप बॉक्स यूज करेंगे उतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा और जितना ऊंचा बॉक्स यूज करेंगे उतना ये ईजी हो जाएगा। तो शुरू में मेरे हिसाब से 16 या 17 इंच के बॉक्स के साथ स्टार्ट करो और जैसे हर हाइट पे आप 30-30 रिपीटेशंस कर पाते हो, आप हाइट को 1 या 2 इंच से कम करते रहो। तो इवेंचुअली मेरे हिसाब से 6 से 9 महीने के अंदर आप आराम से 12 इंच या 13 इंच बॉक्स के साथ पिस्टल स्क्वाट्स कर रहे होंगे। फिर हम आते हैं एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस में। तो अभी हम हैंगिंग वाले वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हैंगिंग नी रेजेस ट्राई करो 2 sets of 10 to 25। एक बार 25 रिपीटेशन परफेक्ट मास्टर हो जाता है बिना स्विंग किए, बिना बैक को आर्च करने दिए, उसके बाद बेंट लेग हैंगिंग रेजेस स्टार्ट करो। एक बार वो मास्टर हो जाता है फिर हैंगिंग फ्रॉग रेजेस करो। तो हैंगिंग फ्रॉग रेज में क्या करते हैं कि हम लोग बेंट लेग रेज में लेग्स को उठाते हैं लेकिन स्ट्रेट लेग रेज में नीचे उतारते हैं। एक बार वो मास्टर हो जाता है फिर स्ट्रेट लेग हैंगिंग लेग रेजेस को ट्राई करो। इससे क्या होगा कि पूरा हिप फ्लेक्सर्स,
ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, सिक्स पैक के मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनिस, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक से सारे मसल्स ट्रेन हो जाएंगे एक ही एक्सरसाइज में। साथ में ये ग्रिप के लिए भी अच्छा होता है। फिर उसके बाद आता है फ्लोर हाइपर्स। अभी क्योंकि हम ऑलरेडी सुपरमैन वार्म अप में कर चुके हैं तो इसमें हम सिर्फ एक सेट करेंगे 30-50 रेपिटेशंस का। रेपिटेशन थोड़े हाई लगेंगे लेकिन ये याद रखो कि लोअर बैक की इंजरीज अवॉइड करने के लिए लोअर बैक का इंड्योरेंस ज्यादा जरूरी होता है स्ट्रेंथ से। तो फ्लोर हाइपर्स करने के लिए आपको कुछ झूठना पड़ेगा जहां पर जिसके नीचे आप पैर को फंसा सकते हो। कोशिश ये करना है कि सांस भरते हुए ऊपर उठो और जितना ज्यादा आर्च बना सकते हो उतना आर्च बनाओ, एक या दो सेकंड होल्ड करके वापस नीचे जाओ। एक बार आप 50 रेपिटेशंस मास्टर कर लेते हो, आपको लग रहा है कि अच्छा डीप आर्च बन रही है, तो आप सिर के पीछे छोटे मोटे वेट होल्ड कर सकते हो। ज्यादा वेट का जरूरत नहीं, 5 या 6 kg में ही डिफिकल्टी बहुत बढ़ जाता है और ये लोअर बैक और ग्लूट्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है। अब लास्ट में आती है चिन अप्स पर पुलिंग एक्सरसाइज के लिए। तो चिन अप्स आपका बाइसेप्स, अपर बैक के सारे मसल्स और लैट्स को ट्रेन करेगा और साथ में ओवरऑल एब्स को भी डेवलप करेगा और बॉडी कोऑर्डिनेशन डेवलप करती है। प्रॉपर चिन अप में बॉडी फुल हैंग होना चाहिए बॉटम पोजीशन पर और टॉप पोजीशन पे चिन पार करना चाहिए, हाफ सेकंड होल्ड करके वापस नीचे जाना चाहिए। तो चिन अप्स हम लोग इसलिए लास्ट में बात कर रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि ये इसकी इंपॉर्टेंस कम है, बट एक्चुअली क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि हर सेट के बीच में चिन अप्स करते रहेंगे। अब क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट है या जो इसने अभी बिगिनर स्टेज खत्म किया है वो मुश्किल से 5 या 6 चिन अप कर पाता है एक सेट में, तो इससे प्रॉपर ट्रेनिंग इफेक्ट आ नहीं पाती है। अभी नॉर्मली जिम्स में हम लोग रोज कर लेते हैं या लैट पुल डाउन कर लेते हैं जिससे अपर बैक की ट्रेनिंग हो जाती, लेकिन वो तो हम लोग घर पे कर नहीं पाते, तो इसलिए हम लोग चिन अप्स को अलग तरीके से हिट करेंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप 6 रेपिटेशन कर पाते हो तो आप पर सेट उसका हाफ करोगे, करीबन 3 रेपिटेशन करोगे, और अगर दिन अच्छा लग रहा है तो 4 रेपिटेशन करोगे, और फिर हर सेट के बीच में सेट करते रहोगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने इंक्लाइन पुशअप का वार्म अप सेट किया, फिर आपने 3 चिन अप किए, फिर अगला वार्म अप सेट किया, फिर 3 चिन अप किए, फिर आपने पहला डिप्स का सेट किया उसके बाद 3 चिन अप किए, फिर सेकंड डिप का सेट किया फिर 3 चिन अप किए, फिर आपने बॉडी वेट स्क्वाट्स किया वार्म अप के लिए और फिर 3 चिन अप कर दिए, फिर पिस्टल स्क्वाट टू बॉक्स किया फिर 3 चिन अप कर दिए। ऐसे हर सेट के बीच में 3-3 चिन अप करते रहो। वर्कआउट के एंड तक आपका कम से कम 10-12 सेट हो जाने चाहिए थे जिससे अच्छा वर्कलोड हो जाता है अपर बैक के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के बाद आपको कार्डियो करना चाहिए। तो हम लोग पिछले बार हमने रेगुलर 2-लेगेड स्किपिंग की यूज की थी, आप वो कंटिन्यू कर सकते हो या आप ऑल्टरनेटिंग लेग स्किपिंग भी कर सकते हो या 1-लेगेड स्किपिंग भी कर सकते हो। मेन चीज ये है कि रेपिटेशन को बढ़ाना स्टार्ट कर लो। इवेंचुअल गोल होना चाहिए 6-9 महीने के अंदर कि आप 10 सेट्स और 200 कर लो, मेरे हिसाब से 10 या 15 मिनट के अंदर। अगर आप ऐसे टाइप का वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हो तो आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस काफी बढ़ चुका है। रिवाइज करने के लिए एक इंटरमीडिएट जो इस रूटीन को 3-4 महीने तक से यूज कर रहा है उसका नॉर्मल रूटीन देखते हैं। सबसे पहले वो वार्म अप करेगा, वार्म अप के बाद वो पुशअप स्टार्ट करेगा। तो शायद वो मेडिसिन बॉल पुशअप्स कर रहा है, पहले सेट में 25 कर ले, सेकंड सेट में 50, तो अगली बार वो मेडिसिन बॉल पुशअप्स को रिपीट करेगा। फिर उसके बाद उसने पिस्टल स्क्वाट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो वो 18 इंच का बॉक्स में पिस्टल स्क्वाट कर रहा है, पहले सेट में उसने 20 रिपीटेशन पर लेग किया, सेकंड सेट में 15 रिपीटेशन पर लेग किया। फिर उसके बाद वो हैंगिंग बेंट लेग रेजेस कर रहा है, पहले सेट में 15 रेपिटेशन कर दिया, सेकंड सेट में 10 रेपिटेशन कर दिया। फिर अगला एक्सरसाइज वो करेगा फ्लोर हाइपर्स। फ्लोर हाइपर्स में उसने टोटली 40-45 रेपिटेशन कर लिए, 50 रेपिटेशन पूरा नहीं कर पाया। हर सेट के बीच में उसने 4-4 रेपिटेशन के चिन अप्स किए, टोटली 12 सेट्स की, तो 12 सेट्स इंटू 4 मतलब उसने टोटली वर्कआउट में 48 चिन अप्स पूरी की थी।
एंड में वो स्किपिंग करेगा ऑल्टरनेटिंग लेग 10 sets of 100 और फिर आखिर में कूल डाउन स्ट्रेचिंग कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के वीडियोस हम डेली अपलोड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम आंसर करें। साथ में डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो। अगर आप फिटनेस प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पर इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन आपको मिल सकता है।